10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले कर्नाटक में जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का चरित्र सामने आ चुका है। बीजेपी वोट के लिए धर्म और जात पात की राजनीति करती है। जहाँ पर भी चुनाव हो रहे होते हैं, अगर उनको लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं तो वहाँ पर फूट फूट डालो राज करो की नीति से काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि धर्म को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां भी हारने लगती है, जहां उनको लगता है कि उनका ग्राउंड खिसक रहा है, लोग उनको इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने में, उनको आपस में भिड़ाने में यकीन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हम बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन फूट डालो राज करो अंग्रेज़ों के टाइम में चलता था। अब लोगों को वो समझ में आ गया है कि जब हम उस वक्त फूट डालो राज करो की रणनीति में उलझ गए तो हमें 300 साल लगे गुलामी से बाहर आने में। अब लोग उस सब जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोगों में इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धर्म, जाति, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती है चुनाव में, और उसका खामियाजा कर्नाटक चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी, चूँकि हमें समय कम मिला था, हम वहाँ संगठन बनाने में हमने मेहनत की और संगठन बनाया भी अच्छा, पूरी ताकत से हम वहाँ पर लड़ रहे हैं। हम 17 अलग अलग प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन निर्माण करके और एक नेशनल पार्टी बनने के बाद हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम कर्नाटक में भी चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक पहला चुनाव है वहाँ पर, तो हमें उम्मीद है कि हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, कई सीटों पर हमारे विधायक बन करके। द केरल स्टोरी मूवी पर चल रहे बवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम खुद ही मूवी का प्रमोशन चुनाव के दौरान कर रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि पीएम ही इस तरह की मूवी बनवा रहे हैं और चुनाव के दौरान रिलीज हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धंधे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभी नेता धरने पर गए हैं, लेकिन हमने वहां पर अपना कोई भी सिंबल प्रयोग नहीं किया है। अगर किसी को प्रोपेगेंडा कोई पिक्चर बना करके और उसको चुनाव के वक्त रिलीज किया जाए और प्रधानमंत्री खुद जाके उसका प्रचार कर रहे हो चुनाव की रैली में, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। किसी भी, अगर केरल स्टोरीज के बारे में बात की जा रही है, उसको बैन करने के लिए प्रधानमंत्री इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में, जिस तरीके से उनके कार्यकाल के समय जो कुछ हुआ, तो उसको बैन क्यों कर दिया भारत सरकार ने? बीबीसी तो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बीबीसी को तो पूरी दुनिया में मानते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए। उनकी डॉक्यूमेंट्री को तो आप बैन कर देंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करती है, और किसी और पिक्चर के प्रमोशन के लिए प्रधानमंत्री रैलियों में जा जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, तो मुझे लगता है कि तरीका सही नहीं है। और ये तरीका दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपके इशारे पे हो रहा है सब कुछ। और जो इशारे पे मूवीज़ बनती हों, जो चुनाव के वक्त जिसका प्रधानमंत्री प्रचार करते हों, उनके पीछे एजेंडा है, इसके लिए तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर पे भी हमारे सारे नेता गए, अरविंद केजरीवाल जी भी गए, उन्होंने अपना पूरा समर्थन, क्योंकि जायज़ मांग है। इन सारे पहलवानों ने देश का के नाम को बढ़ाया है, देश के लिए गौरव अर्जित किया, मेडल जीता, और जब ये मेडल जीतते थे उस वक्त तो चाहे प्रधानमंत्री हों वो भी बधाई देते थे, मुख्यमंत्री वो भी बधाई देते थे, हम लोग भी बधाई देते थे, कांग्रेस वाले भी बधाई देते थे। तब तो कहीं कोई पार्टी नहीं थी, कहीं कोई नेताबाजी नहीं थी, तब तो सारे लोग ये सोचते थे कि हमारे देश के खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उसमें से थोड़ा सा गौरव जो है वो मैं भी चुरा लूँ। आज जब ये खिलाड़ी मुसीबत में, तो ये पार्टीबाजी, ये राजनीति, ये सब कहाँ से आ गई इसमें? देश का नागरिक होने के नाते हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सामाजिक व्यक्ति को, हर किसी, ये चाहे वो पहलवान हो, चाहे उनके परिवार से कोई पहलवान हो या ना हो, हर किसी व्यक्ति को उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज अगर उन बेटियों के आंसू हम नहीं पहुंच पाए, आज अगर उनके इस मुद्दे को हम नहीं उठा पाए, तो कल को कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को खेलने के लिए नहीं भेजेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछा कि दिल्ली की शराब नीति पर तो आपने सवालिया निशान उठा दिए, लेकिन हरियाणा में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। मेरा अब काउंटर सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि दिल्ली शराब घोटाले में तो आपने जो साजिश, जो कहानी रची थी, उसका तो पर्दाफाश हो गया, उसकी तो सारी परतें अब हटनी शुरू हो गई हैं, कुछ दिन में दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। लेकिन जो सोनीपत में जो हमने देखा कोरोना के दौरान, जिस तरीके से जहरीली शराब पी करके लोगों की मौत हुई, और पूरे हरियाणा के अंदर जो नेक्सस चल रहा है, जो शराब घोटाला चल रहा है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रदेश हरियाणा है जहां 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में लीगल, रात में इलीगल। उस शराब घोटाले की जाँच कब होगी,
जो लोगों की जान गई थी जहरीली शराब पी करके, उसकी जांच की रिपोर्ट को क्यों दबा दिया खट्टर सरकार ने? कहाँ है वो रिपोर्ट? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और कौन राजनेता ऐसे हैं, सारे हरियाणा को पता है, मोटे मोटे तौर पे सारे हरियाणा को पता है कि शराब का पैसा दिन का हो चाहे रात का हो किसके खाते में जा रहा है, किसके पास जा रहा है? उस राजनेता के साथ गलबैया खट्टर सरकार क्यों कर रही है? उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं? अपने शराब घोटाले का जवाब दे हरियाणा की भाजपा सरकार। गौरतलब है कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार सोनीपत में थे, प्रेस वार्ता कर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।